जिनकी अर्जी ना लगे उन्हें हम एक ऐसा विधान बतला दे देंगे कि आप घर बैठे भी अर्जी लगा पाएंगे, बिल्कुल ना घबराएं। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, आप सोचो सब सहज में मिल जाए। और दूसरी बात, पर्चा महत्वपूर्ण नहीं है, भगवत चर्चा महत्वपूर्ण है। आप धाम पर आ दरबार में आ गए, प्रांगण में बैठ गए, बालाजी का आवाहन हो गया, सन्यासी बाबा का आवाहन हो गया, जो हमारे गुरुदेव है वही हमें प्रेरणाएं देते हैं। कहते हैं जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। और ये दरबार हमने सिर्फ इसलिए लगाया है कि आप सब जग जाओ। आज भी हमारी भारतीय सभ्यता में, और बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा दरबार है जहां दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, मिलना निःशुल्क, और 1.5 साल से भंडारा भी 2 टाइम निःशुल्क है। रोज 1-1.5 हजार लोग भक्त प्रसाद पा रहे हैं निःशुल्क। अब कहां से आओ जो बब्बा जू जाने, कई पत्रकार हमसे पूछते आप पैसा लेते नहीं, दक्षिणा लेते नहीं, और रोज इतने लोगों ने भंडारा करवा रहे, 1 महीना में 8-10 लाख को भंडारा करवा रहे, कहां से आओ पैसा, बड़ा खूब लो। हम कहने लगे भैया जौन आशीर्वाद तुम्हें दे के जाओ तुम्हारे घर पर धन की वृद्धि हो, वही आशीर्वाद रोज हरियाली से हम ले गई थी। और अगर दरबार चला करके या ये सब प्रपंच करके दक्षिणा मांग रहे हो, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, तो मतलब कछु ना कछु दाल में कालो है, नहीं तो दूसरा ना जो आशीर्वाद दे रहा हूं वो ना होगी। एक भाई एक क्वेश्चन वाला प्रश्न है कि हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ गाड़ी ले, पता चलो बाबा जी खुद पर पसंद पे फिर रहे, तो मतलब इनके आशीर्वाद में गड़बड़। लेकिन ऐसा नहीं, बीत रात फक्कड़ जो होते हैं वो छोड़े रहते हैं, सब त्यागे रहते हैं, लेकिन हम तो माता पिता के चरणों में रहते, गुरु के चरणों में रहते, कोनो कमी नहीं है। आप सभी हमारे बैंक हैं और आप सभी हमारा धन है। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, हमारे बालाजी हमारा परम धन है, हमारे गुरुदेव हमारा परम धन है, जिसका गुरु बलवान होता चेला पहलवान। और आपसे हम प्रार्थना करें करवध्य जितने भी आप राजमान हैं, खूब हरिनाम जपो, चमत्कारों के पीछे मत फिरो, हरिनाम के पीछे फिरो, बागेश्वर धाम के पीछे फिरो, तो निश्चित है आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। बोले बागेश्वर धाम की। इसके बाद श्री सीताराम जी सरकार की, आदेश तो इसी तरफ से है, लेकिन पहला आदेश राजू नाम से है, सफेद शर्ट पहने होंगे और इसी तरफ से होंगे, आ जाओ।